दोस्तों, क्या आपने इस कीटक को अपने घर के कोनों में चिपके हुए देखा है? क्या ये कई सारे होते हैं? अगर हाँ, तो क्या ये कीटक बीमारी फैलाते हैं? ये कहाँ से आते हैं? इनका लाइफ साइकिल क्या होता है? इनको घर से भगाया कैसे जाए? ये सारे सवाल आपके मन में ज़रूर आते होंगे। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ इसे देखिए पूरे अंत तक। हाय, मैं हूँ मेघना और आप देख रहे हैं बीइंग इन्वेंटिव। दोस्तों, दरअसल ये कीड़ा कीटक प्रजाति का है। इसका नाम है फेरोइका यूटेरेला। इसे आमतौर पर प्लास्टर बैगवॉर्म भी बुलाते हैं। ये टिनेडा फैमिली को बिलोंग करता है। इसकी प्रजाति मॉथ यानी कि पतंगों की एक अलग प्रजाति को रिप्रेजेंट करती है। यह ज़्यादातर वार्म और ह्यूमिड जगह पर पाया जाता है। जो कीड़ा हम घर में देखते हैं वो दरअसल लार्वा होता है। यही कीड़े कुछ दिनों बाद पतंग यानी कि मॉथ बन जाते हैं, जिनके पंख होते हैं। हैरानी की बात है कि मॉथ बन जाने के बाद ये कुछ भी नहीं खाते। ये जब लार्वा फॉर्म में होते हैं तभी खाते हैं। पत्ते के आकार का दिखने वाला ये शेप दरअसल इनका एक प्रोटेक्टिव केस होता है। ये 1 सेंटीमीटर से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। ये केस को दो ओपनिंग होते हैं जिसमें से ये कीड़ा आ जा सके। लार्वा अपने इनिशियल स्टेज में धूल और मिट्टी को यूज़ करके इस केस को खुद ही बना लेता है। तो ये लार्वा क्या खाता है और अपने घर में क्यों आता है? दोस्तों, ये अपने घर में जहाँ पर धूल मिट्टी हो, जहाँ पर कोनों में स्पाइडर के घर हो, घर में डॉग या फिर कैट के बाल गिरते हो और जहाँ पर अपने ही सर के बाल गिरते हो, ऐसी जगह पर ये लार्वा सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्योंकि ये लार्वा फर्श पर गिरे एनिमल हेयर, ह्यूमन हेयर, सिल्क के धागे, वुल के धागे और स्पाइडर के धागों से बना घर खा जाते हैं। अगर हम घर में साफ सफाई ठीक से ना करें, झाड़ू पोछा ठीक से ना लगाएं, तो ये ज़्यादा दिख जाते हैं, क्योंकि उनको धूल मिट्टी पसंद होती है। ऐसी ही धूल मिट्टी भरी जगह पर एडल्ट मादा तो 200 तक अंडे देती है, जिससे इस तरह के लार्वा बनते हैं। हालांकि ये लार्वे कोई बीमारी नहीं फैलाते, लेकिन अगर ये आपके वार्डरोब में है तो आपके महंगे सिल्क के कपड़े और वुलन के कपड़ों को खाकर उन्हें ख़राब कर सकते हैं। हम घर को कितना भी साफ रखें, अलमारी के पीछे, किचन के ट्रॉलीज के पीछे, रेफ्रिजरेटर के नीचे, वुडन बेड और बॉक्स के अंदर, जहाँ झाड़ू नहीं पहुँचता वहीं ये होते हैं। आप इसे वैक्यूम पंप से निकाल सकते हैं। जो जगह हम रोज़ क्लीन नहीं कर सकते और जहाँ झाड़ू नहीं पहुँच जाता, वहाँ पे आप खटनील जैसा स्प्रे या फिर कोई भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे हर महीने स्प्रे करके इनको रोक सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्लास्टर बैगवॉर्म के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।